यार जेजेके का चैप्टर 266 आ चुका है, और सही में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं ये तो क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर तूफान से पहले जो आने वाली शांति है ना उसकी तरह है। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि जितनी भी प्रेडिक्शंस हम सब ने की थी ना, यानी जेजेके फैंस ने की थी, वो सब गलत प्रूफ होने वाली है। और इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा क्लोज है। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ यही जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर की एंड में देखा था कि यूजी सुकुना को वॉर्न करता है कि वो चुपचाप मैगुमी की बॉडी को छोड़ दे अगर जिंदा रहना चाहता है तो। एंड एज वी एक्सपेक्टेड अपना किंग ऑफ कर्स इस चीज पे हंसने लग जाता है और गुस्सा करता है कि खुद को क्या समझता है रे तू ब्रेट, अभी तक तू इसलिए जिंदा है क्योंकि मैं जिंदा तुझे रखना चाहता था, तेरी ही आंखों के सामने तेरे दोस्तों को मारना चाहता था, और जब मैं तेरे सारे दोस्तों को मार दूंगा तब जाके तुझे मारूंगा और बड़ी ही खौफनाक मौत दूंगा। और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद पिछले चैप्टर में मुझे लगा था कि यूजी अपने डोमेन की बात कर रहा है, उसी के थ्रू वो सुकुना को मारेगा, और शायद हमें इस चैप्टर में यूजी का डोमेन देखने को मिलेगा, वो क्या कर सकता है ये भी पता चलेगा। लेकिन हमें इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है मैगुमी जो कि यूजी से बोल रहा होता है इनफ नाउ आई विश्ड फॉर अ वर्ल्ड जहां पर कि मेरी बहन सफर ना करे, और अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है तो मैगुमी एटलीस्ट इतना तो चाहता था कि वो एंड मोमेंट्स तक अपनी बहन के साथ रहे, उसको सपोर्ट करे, और उसे कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जीने का मौका दे। और यूजी ही जैसे बंदे के साथ वो अपनी बहन को देखना चाहता था, और अगर ये सारी चीजें हो जाती तो मैगुमी अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत मानता। लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, उल्टा उसी की बॉडी के थ्रू उसकी बहन को मारा गया है, तो बंदा ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। एंड अपना यूजी इस बात से ऑब्वियसली एग्री करता है क्योंकि सुकुना ने जो मैगुमी के साथ चीज की है उसकी बॉडी का यूज करके लोगों को मारना, वैसा ही तो वो यूजी की बॉडी के साथ भी कर रहा था। और वैसे तो यूजी को पूरी लाइफ में वीक लोगों को कैसा लगता है, उनको कैसा फील होता है, ये कभी चीज समझ में ही नहीं आई। यहाँ तक कि उसका जब ग्रैंडमा मरा था तब भी उसे इतनी ज्यादा फील नहीं आई थी, और तुम्हें याद हो तो बंदा ज्यादा रोया तक नहीं था, थोड़ा बहुत दुखी जरूर हुआ था लेकिन बहुत ही जल्दी रिकवर कर गया था क्योंकि यूजी बचपन से ही स्ट्रांग था, उसे वीक लोगों को कैसा लगता है ऐसी सिचुएशन में इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जुजुत्सु काइसन में एंटर करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, कुछ ऐसे मूवमेंट्स आए जिसके थ्रू यूजी को अंदाजा हुआ वीक लोगों की सफरिंग के बारे में कि उनको कैसा फील होता है जब उनके साथ कुछ बुरा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। और क्योंकि ज्यादातर केसेस में यूजी यही सोचता था कि वो बचा सकता था लोगों को लेकिन नहीं बचा पाया, इसलिए हमेशा उसे रिग्रेट रहता अपने मन में, और सबसे ज्यादा दुख उसे तब होता था जब उसी के हाथों कोई मारा जाता था। तो इसलिए वो मैगुमी से भी ये बोलता है कि वो बिल्कुल भी नहीं कहेगा उससे डेट उसे जीना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई रीजन ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो स्टोरी कहां जा रही है। हमें लगा था कि मैगुमी को एंड में रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन अब इन बातों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मैगुमी का खेल खत्म होने वाला है सुकुना के साथ ही। खैर इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं सुकुना को जो कि होलो विकर बास्केट का यूज करता है, और क्योंकि होलो विकर बास्केट का आउटपुट जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नॉर्मली नहीं होता, तो सुकुना को अपने दोनों हाथों का यूज करना पड़ता है इस डोमेन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। यस तुमने सही सुना, यूजी का डोमेन अभी भी एक्टिव स्टेट में है। अब एग्जैक्टली यूजी का डोमेन क्या कर पाता है ये तो हमें अभी पता नहीं चला, क्योंकि सुकुना होलो विकर बास्केट का यूज कर रहा है इसलिए यूजी का डोमेन का इम्पैक्ट उस पर हो नहीं रहा, एंड दैट्स व्हाई हमें भी पता नहीं चल रहा कि क्या करता है यूजी का डोमेन। और सुकुना के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि ये जो होलो विकर बास्केट है ये इवेंचुअली ओवरपावर्ड हो जाएगी, क्योंकि यूजी का जो डोमेन है वो मेंटल स्टेट को मेटेरियलाइज करता है, यानी यूजी जो सोच रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका डोमेन बना हुआ है, और इस तरीके के डोमेन्स का जो श्योरिट इफेक्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और रही बात सुकुना के डोमेन की, तो वो उसका भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि अनलिमिटेड वॉइड की वजह से जो उसके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ा है उससे अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाया। अब वैसे तो वो गोजो की तरह अपने ब्रेन को रिस्टोर करता है बाय रीसेटिंग हिज कर्स टेक्निक, बट वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुकुना होलो विकर बास्केट का यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए सुकुना डिसाइड करता है कि वो ऐसी ही स्टेट के साथ यानी अपने दोनों हाथों के हैंड साइंस के साथ बाकी दोनों हाथों से यूजी से फाइट करेगा। एंड भाई साहब क्या हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है इन दोनों की, सही में लाजवाब। बट एज वी एक्सपेक्टेड सुकुना बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था यूजी को, और ऐसे ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए सुकुना यूजी से बोलता है मैं सही में काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ ये देख के कि जब कोई मुझको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो मैं कितना ज्यादा फ्यूरियस हो सकता हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुकुना को यार कौन ही नीचा दिखा सकता है, आज तक उसने शायद ये चीज एक्सपीरियंस ही नहीं करी होगी। एंड यूजी शायद पहला है जिसने की सुकुना के लिए पिटी दिखाई है, यानी उसकी लाइफ के लिए अफसोस दिखाया है, और उससे ही बड़ी बात सुकुना ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज यूज ही करेगा। इसके बाद अगले ही पैनल में हम देखते हैं मैगुमी को
टू बी एग्जैक्ट उसके पास्ट हो, जहाँ पर कि मैगुमी वही चीज पूछता है जो कि उसने गोजो से पूछी थी पहली बार मिलने पर, व्हाट्स विद दैट फेस। तो इसकी रिप्लाई में यूजी रोते हुए ये बोलता है, नथिंग, इट्स जस्ट दैट मैं तुम्हारे बिना काफी लोनली फील करूंगा फुचिगोरो। और तभी हम अगले ही पैनल में देखते हैं कि सुकुना अचानक से अपनी ही परछाई में डूबने लगता है, और ये कारनामा किस चीज का था, ऑब्वियसली टाइम शेडोज टेक्निक का। अब सुकुना खुद तो ये चीज यूज कर नहीं सकता था महुरागा के डिफीट होने के बाद, तो ये चीज मैगुमी कर रहा था यूजी की हेल्प करने के लिए, और यही चीज देख के सुकुना काफी ज्यादा शौक में होता है और यही सोच रहा होता है कि क्या मैगुमी की सोल वापस जाग चुकी है, क्योंकि उस बात के बाद पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। क्या ये इस ब्रेड के डिसमेंटल का नतीजा है? ऐसे ही सवालों से सुकुना का माइंड बढ़ता जा रहा था, और इससे पहले कि सुकुना और कुछ सोच पाता कर पाता, यूजी एक बहुत तगड़ा मुक्का पीलता है उसके मुंह पर एंड मुस्कुरा जाता है, क्योंकि वो भी समझ गया था कि फुचिगोरो क्या करना चाह रहा है। इसके बाद यूजी सुकुना की तरफ दौड़ता है और बराज ऑफ अटैक्स उस पर पीलता जाता है, और जैसे ही सुकुना होश संभालता है तो वो भी एग्जैक्टली सेम चीज करने लग जाता है यूजी के साथ, उस पर भी मुक्के पेलने लग जाता है। अब तुम इसके बाद ये सोच रहे होगे कि सुकुना पे क्या ही असर पड़ेगा इन मुक्कों का, वो आसानी से अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक के थ्रू इन सारी चीजों को हील कर सकता है। लेकिन नहीं, यूजी के ये जो अटैक्स थे इनको सुकुना हील नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से उसकी हॉलो विकर बास्केट भी डिसेबल होने लगती है, क्योंकि यूजी तो सुकुना के मुक्कों को झेल लेता है लेकिन सुकुना यूजी के मुक्कों को नहीं झेल पा रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए तो ये काफी सरप्राइजिंग था यार, यूजी ऐसा कर पा रहा है। एंड एज फॉर हिज लास्ट ऑप्शन, सुकुना एट द एंड फाइनली उसी चीज का यूज करता जो कि उसे पहले बहुत ज्यादा रिस्की लग रही थी, अपनी कर्स टेक्निक को रीसेट करता है और यूजी के हाथ में जो टूल प्रेजेंट है उसे स्लाइस अप कर देता है। जी हाँ, ये यूजी के हाथ में टूल्स हैं, हमें लग रहा था कि कोई कर्स टेक्निक है। अब ऐसा होने के बाद यूजी काफी शॉक में कि क्या सुकुना अपनी कर्स टेक्निक को रिस्टोर कर चुका है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो मास्टर गोजो का तरीका है अपनी कर्स टेक्निक को रीसेट करने का। एंड एज अ प्रूफ, तुम सुकुना के नाक से खून निकलता हुआ देख सकते हो, जो कि गोजो के साथ में भी हुआ था जब उसने ऐसा किया था। और इसी के साथ सुकुना डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, एंड इसके अगले ही पैनल में हमें पता नहीं कहां पर सुकुना की एक फिंगर भी दिखाई जाती है, जिसको की देख के सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया अब ये फिंगर कहां से आई और इसे ऐसी जगह पे बांध के क्यों रखा गया है, और अब दिखाने का क्या मतलब है इसे। ये सारी चीजें आ रही है मेरे माइंड में। एंड एज फॉर दिस चैप्टर, मुझे काफी ठीक चैप्टर लगा, लेकिन यार एक्सपेक्टेशन तो मैं यही लगा रहा था कि मुझे यूजी के डोमेन के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ खास पता चला नहीं। बट इस चैप्टर के एंड में जो नोट है उसमें ये तो पता चल गया है कि अब ये जो आर्क है अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, यानी आने वाले 3 से 5 चैप्टर एट लास्ट इन चैप्टरों में ये आर्क खत्म हो जाएगा, और हमें इस फाइट का कंक्लूजन भी मिल जाएगा कि कैसे फाइट खत्म होगी। अब यार काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो मर्जर है वो समाव शुरू होगा और उसी के बाद ये पूरी सीरीज खत्म होगी, लेकिन अब ये चीजें देखते हुए लगता है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और नोवरा का रिटर्न भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये चीजें देखते हुए उसके भी थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं। और जिस हिसाब से जुजुत्सु काइसेन मांगा आगे बढ़ रही है, मुझे तो यही लगता है कि यूजी समाव सुकुना को मार देगा, और जैसा कि केके ने कहा था, या तो यूजी एंड में बचेगा या फिर यूजी मर जाएगा और बाकी सारे बचेंगे। तो लगता है पहला ऑप्शन ही होने वाला है, यूजी बचेगा एंड में सिर्फ, क्योंकि इस चैप्टर में ये भी क्लियर हो गया है कि यूजी मैगुमी को बचाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। बाकी तुम सबको क्या लगता है, यूजी का डोमेन आखिर किस तरीके से काम करता है? और अब इस चैप्टर के बाद तुम्हारा क्या कहना है कि जेजे के मांगा कैसे एंड होगी? अगर थोड़ा सा भी तुम्हें आइडिया है, लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं जरूर पढ़ूंगा कमेंट्स। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।